हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल इंस्पिरेशन क्लासेस द स्टडी हब में। मैं आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के जो मोशन के जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे उनके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि कोई कार है, उसका जो ओडोमीटर है जिसमें वो लिख के आती है उसकी डिस्टेंस, तो वो 2000 किलोमीटर शो कर रहा था जब ट्रिप स्टार्ट होने वाली थी। जब ट्रिप खत्म हुई तो वो 2400 किलोमीटर शुरू शो कर रहा था और इस ट्रिप में 8 घंटे लगे। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, तो डिस्टेंस जो है आप वो निकालेंगे कि कितनी डिस्टेंस उसने जो है ट्रेवल करी। डिस्टेंस ट्रेवल, जो एंड रीडिंग थी उसको ले लीजिए एंड रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो एंड रीडिंग थी 2400 किलोमीटर, इनिशियल रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, तो ये आपका आ गया आंसर 400 किलोमीटर के पूरी जो ट्रिप थी उसमें 400 किलोमीटर चले। टाइम टी से हमने डिनोट किया इसको, तो टाइम हमारा जो लगा है वो 8 आवर लगा है। स्पीड हमको चाहिए, एवरेज स्पीड पूछा गया है, एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपकी 400 किलोमीटर अपॉन टाइम है 8 आवर्स, बन गया किलोमीटर पर आवर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की आपकी एवरेज स्पीड आई। फिर आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर है और इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इस एक्स का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 5/18 से। तो इसी फॉर्मूले के तहत यहां पे एक्स की वैल्यू 50 है, आपको 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में जो आपसे पूछा है। तो 50 एज इट इज इनटू 5/18, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दोनों आंसर आपके यहां पे आ गए जो आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो बच्चों हमारा अगला न्यूमेरिकल है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा तैर रही है एक पूल में जिसकी लंबाई 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मान लीजिए आपका ये स्विमिंग पूल है, देख लीजिए ये जो लेंथ है ये 90 मीटर है। यहां से इस पॉइंट ए से ऊषा स्टार्ट करती है, इस सीधे रास्ते से दूसरे कोने पे दूसरे एंड पे बी पे आ गई, फिर वापस इसी रास्ते आती तो 90 मीटर इधर का और 90 मीटर इधर का प्लस का 180, 90 प्लस 90 इस तरीके से हुआ 180 मीटर। सेम स्ट्रेट पाथ वो फॉलो करती है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। तो पहला केस हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुई 180 मीटर, टाइम है 1 मिनट, तो 180 मीटर 1 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए 60 सेकेंड हो गए। तो जब इस पर डिवाइड करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए आप कि यहां से शुरू करा और बी पे गई और बी से वापस ए पे आ गई, तो जब जर्नी का स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। टाइम वन मिनट, तो क्या हो गया आपका? जीरो मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड है। देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो लिख लेंगे गिवन के केस में, गिवन यू इक्वल्स टू जीरो। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, फिर उसने फाइनल वेलोसिटी गेन करी 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट्स में। टाइम दे रखा है आपको 5 मिनट्स, ठीक। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, कह रहे हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पता लगाइए पहला द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही पूछा है। सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी को गेन करने में ट्रेन कितनी दूर तक चलेगी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 18 × 5 = 20 मीटर पर सेकंड आ गया। 5 मिनट, 5 × 60 सेकंड, तो ये आपका 300 सेकंड आ गए, ठीक। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप देख लगाइए फर्स्ट इक्वेशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहीं से हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा वी माइनस यू बाय टी। तो वी आपका 20, यू आपका 0, टी 300, तो 220/300 ये आपका 1/15 और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको दूसरे केस में देखिए, अब आपको चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल, तो आप यहां पे इक्वेशन यूज करिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आपको चाहिए s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 0, 2 × एक्सेलरेशन 1/15, ये हो गया आपका 400, 2 और ये 15 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए 2 2s, तो s इक्वल्स टू 15 × 2s = 30 और 3 0, 2 0 और हो गए आपके, ये इतने मीटर, यानी कि s इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो ट्रेन चली जाएगी इतनी वेलोसिटी को गेन करने के लिए। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km/h to 36 km/h, इतनी स्पीड पे चल रही थी, एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली, इतनी स्पीड पे आ गई 5 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट करिए एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो इस टाइम में उसने कवर करा, तो सबसे पहले लिखिए गिवन इनिशियल वेलोसिटी u 18 km/h, तो 18 km/h को कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, 18 से 18 कैंसिल, ये आपका आ गया 5 मीटर पर सेकंड। फिर फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 36 km/h, तो 36 को कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई करा के, 18 × 5 = 10 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड, ठीक। पहली बात जो आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 5 टाइम
5, तो 5 अपॉन 5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला आंसर आ गया आपका। सेकेंड देखिए, सेकेंड पूछा है आपसे डिस्टेंस कवर्ड। अब आपको क्या क्या दिया है, यू आपके पास है, टाइम आपके पास है, सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू 5 इंटू टाइम 5 प्लस हाफ एक्सलरेशन 1 टाइम 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1/2 इंटू 25 डिवाइड बाय 2, तो 25 ये हो गया और 25 का आधा 12.5, तो ये आपका 37.5 मीटर ये आंसर हो गया। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो 37.5 मीटर होगी।